हेलो एवरीवन। तो एक नए क्वेश्चन के साथ 1.69 इरुडो का, और देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में बेसिकली एक ब्लॉक है, आप क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, और उस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है। ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखा हुआ है, ब्लॉक का मास है एम, और ब्लॉक पर एक फोर्स लग रहा है बच्चों जो हॉरिजॉन्टल से अल्फा एंगल बना रहा है। लेकिन अल्फा जो है ना वो ए एस के बराबर है, जहां ए एक पॉजिटिव कांस्टेंट है और एस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ब्लॉक है। अच्छी बात क्या है, एफ का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है एंड दैट मैग्नीट्यूड इज mg/3। तो एक बात तो कंफर्म है कि ये ब्लॉक कांटेक्ट लूज नहीं करेगा, इवन फोर्स वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन लग जाए तो भी। क्लियर? हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बार एज अ फंक्शन ऑफ एंगल अल्फा। मेरे हिसाब से वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एंगल अल्फा का मतलब वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ डिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो याद हो अगर आपको, तो मैं तो पढ़ाता ही हूं, हो सकता है आपके सर ने भी पढ़ाया हो, कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहाँ लगाते हैं ये रिकॉग्नाइज करने का तरीका होता है। जहां पर भी वेलोसिटी वर्सेस लोकेशन या स्पीड वर्सेस लोकेशन की बात की जाती है, वहां पर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना चाहिए। सर ये तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है, आप वर्क एनर्जी थ्योरम की बात कर रहे हैं। अरे तो वर्क एनर्जी थ्योरम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से ही तो डिराइव की गई, तो वो डेरिवेशन का यूज कर लीजिए भाई। कैसे मैं बताता हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस एफ कॉस अल्फा, दैट मींस mg/3 कॉस ए एस इज इक्वल टू mdv/dt। फाइन, एम से एम कैंसिल हो गया। अब देखो यहां पर है एस, यहां पर वी और यहाँ टी वेरिएबल है। जाहिर सी बात है हमको दो वेरिएबल के टर्म में लाना है, तो एक काम करते हैं, काम क्या करते हैं, दो वेरिएबल के टर्म में लाने के लिए मतलब एस डीएस को लाते हैं, तो उसके लिए डीएस को ऊपर नीचे से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ds/dt बच्चों क्या बन जाएगा, स्पीड। तो ये बन गया vdv/ds। यही तो वर्क एनर्जी थ्योरम को डिराइव करते समय करते हैं, तो बेसिकली डेरिवेशन का यूज कर रहा हूँ। तो vdv = g/3 कॉस ए एस डी एस, इसको कर देते हैं बच्चों इंटीग्रेट, 0 से v और ये है 0 से s। तो यहां से आता है v²/2 = ये इंटीग्रेशन, कॉस ए एस का इंटीग्रेशन बच्चों क्या होगा, g/3 a, और ये आएगा -sin as। कॉस ए एस का इंटीग्रेशन सॉरी कॉस ए एस का इंटीग्रेशन sin 1 a sin as, तो sin as। एक बार s डाला एक बार 0 डाला, तो जाहिर सी बात है केवल साइन ए एस बचेगा। अब ए एस की जगह हम वापस से अल्फा रख सकते हैं बच्चों, तो यहां से v की वैल्यू आती है √2g/3a sin α। तो ये है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा। अल्फा था या थीटा था, अल्फा ही था। ओके तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा देख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ द बार एज अ फंक्शन ऑफ अल्फा दिया गया। ठीक, तो यह है आंसर। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के वीडियो के साथ। धन्यवाद। हेलो एवरीवन। तो आज एक नए क्वेश्चन के साथ, 2 दिन गैप हो गया, इरुडो के क्वेश्चन के सॉल्यूशन में नहीं दे पाया, क्षमा चाहूंगा उसके लिए। कुछ जरूरी काम पड़ गया था, मुझे बैंगलोर जाना पड़ा, और वो जरूरी काम क्या था वो भी आपको कुछ दिनों में पता चल जाएगा। अच्छा है, आपको अच्छा लगेगा फिलहाल, और उसके बारे में भी मैं आपको जल्द ही कोई वीडियो लाने वाला हूँ। वो क्या रहस्यमयी चीज है आपके सामने जब आएगी, मतलब मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली मैं उस चीज को लेकर के। तो फिलहाल तो अभी नए क्वेश्चन के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन है 1.70 जिसको आज हम देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हॉरिजॉन्टल प्लेन विद द कॉफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन के सपोर्ट्स टू बॉडी, अ बार एंड एन इलेक्ट्रिक मोटर विद द बैटरी ऑन ए ब्लॉक। अ थ्रेड अटैच टू द बार इज वाउंड ऑन द शाफ्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ द इलेक्ट्रिक मोटर इज ऑन अ ब्लॉक, तो ब्लॉक प्लस इलेक्ट्रिक मोटर। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन द बार एंड द इलेक्ट्रिक मोटर इज इक्वल टू एल। वेन द मोटर इज स्विच्ड ऑन, द बार whose mass is the bar, जिस पर मोटर नहीं है, whose mass is twice as great as that of the other body, मतलब ब्लॉक प्लस मोटर।
starts moving with a constant acceleration w, which starts moving when the bar is start moving, the bar starts moving. So there is a block on which motor is mounted, fine, and the system is kept on a rough surface whose coefficient of friction is k. Now the motor is winding the thread which is connected to a bar. So the mass of the bar is 2m and mass of the block plus motor is m. Initial distance is l and acceleration of the bar is found to be w. Now they are asking that how soon will the bodies collide, kitne jaldi bodies collide karengi, matlab they are asking time. To bachcho ek baat to dekho, tay ye hai ki agar ये दोनों चल रहे हैं तो इन पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो लगेगा, मतलब इस पर लगेगा के टू एम जी या टू एम जी इंटू के पीछे की ओर, और इस पर लगेगा के एम जी, ठीक है जी. अब इन्होंने पूछा है कि बताइए क्या, तो मैं कहा भाई एक काम करते हैं, सबसे पहले सोचना कैसे सोल्यूशन कैसे सोचे, मतलब मैं आपको सीधा सोल्यूशन बता भी सकता हूँ लेकिन मेरी इच्छा होती है कि एज ए स्टूडेंट मेरे दिमाग में वो सोल्यूशन क्यों आया ये बताना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. तो ये सोल्यूशन कैसे आया मेरे दिमाग में इसको जरा समझिएगा. 2m मास वाले बार का एक्सेलरेशन w दिया गया है, फाइन, तो उससे क्या मैं टेंशन निकाल सकता हूं, यहां से शुरू करें सोचना, या फिर पहले मोटा मोटा सोचे कि आखिरकार टाइम आएगा कैसे. तो मेरे दिमाग में बात आती टाइम किस चीज का मिलने का, यानी कि l डिस्टेंस कवर होने का. नाउ व्हाट l डिस्टेंस रिलेटिवली कवर होने का, मतलब एक रुका हुआ है, दोनों एक चल रहा है दूसरा चल रहा है, या फिर दोनों चल रहे हैं. तो आंसर है दोनों चल रहे हैं. कि सर कैसे पता दोनों चल रहे हैं, भाई जिस पर फ्रिक्शन फोर्स 2kmg लग रहा है अगर वो चल रहा है तो जाहिर सी बात है जिस पर kmg फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा तो वो तो चलेगा ही चलेगा. तो ये तो क्लियर है कि दोनों चल रहे हैं और दोनों मिल करके एल डिस्टेंस कवर करते हैं, यानी कि फायदा है रिलेटिव मोशन में काम करने का. एक बात जो मुझे स्ट्राइक करी, ठीक है, कि रिलेटिव मोशन से काम करना चाहिए तो उसके लिए मुझे दोनों के एक्सीलरेशन पता होने चाहिए ताकि मैं रिलेटिव मोशन अप्लाई कर सकूं. अब एक्सीलरेशन दोनों के पता होंगे तभी तो मैं ए वन माइनस ए टू बच्चों लगा पाऊंगा. भाई एक्सिलेटेड मोशन, यूनिफॉर्म एक्सिलेटेड मोशन में एल डिस्टेंस कवर करने में टाइम से रिलेटेड कौन सा फॉर्मूला है, एल इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसके लिए रिलेटिव एक्सिलेशन पता होना चाहिए. 2m मास का एक्सिलेशन दिया गया है, इसका मतलब मुझे किसका एक्सिलेशन चाहिए, m मास का. तो अब इसको भी सोचता हूँ, ध्यान से सुनना, 2m मास का एक्सिलेशन दिया गया है, m का निकालना है. m में अगर मैं FBD बनाता हूँ, फोर्स लॉ लिखता हूँ, तो मुझे टेंशन एक ऐसी चीज टेंशन देगी जो अननोन है. So, टेंशन कैसे निकालो, 2m मास का एक्सेलरेशन दिया है, वहां से टेंशन निकालता हूं और वो टेंशन इधर वाले में यूज कर लेता हूं m मास वाले में. क्यों भाई, सही सोचा ना. तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखिएगा जरा. तो ये है टेंशन, इक्वेशन देखिए इसकी क्या होगी, t माइनस 2kmg इक्वल्स टू 2mw, इक्वेशन नंबर 1. टेंशन की वैल्यू उठा के रखना या टेंशन को दो इक्वेशन में एलिमिनेट करना बात बराबर है भाई, ठीक है. तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं w डैश. सो इसकी इक्वेशन होगी t माइनस के एम जी इक्वल्स टू एम डब्ल्यू डैश, फाइन. तो टेंशन को एलिमिनेट करते हैं सब्ट्रैक्ट करके, मेरे हिसाब से क्या आ गई टेंशन की वैल्यू, जरा देख लेते हैं. टेंशन की वैल्यू नहीं, सॉरी सॉरी, w डैश, टेंशन को तो एलिमिनेट करना था, एलिमिनेट कर रहे हैं तो टेंशन हो गया एलिमिनेट, हमें डब्ल्यू डैश की वैल्यू पता चल जाएगी कितनी आई साहब. ये आती है माइनस के एम जी यहाँ से, और ये आता है टू एम डब्ल्यू माइनस एम डब्ल्यू डैश, ठीक है साहब. तो यहां से एम तो हो गया खत्म, डब्ल्यू डैश की वैल्यू आती है, डब्ल्यू डैश की वैल्यू कितनी आ रही है, डब्ल्यू डैश की वैल्यू आ रही है टू डब्ल्यू प्लस के जी. तो ये है एक्सिलेशन ऑफ द मोटर प्लस ब्लॉक, फाइन. अब रिलेटिव एक्सिलेशन आ जाएगा, चलिए रिलेटिव एक्सिलेशन निकालते हैं. रिलेटिव एक्सिलेशन अगर हम निकालते हैं तो आपके सर ने, आपके गुरुजी ने पढ़ाया होगा कि जब हम किसी के फ्रेम में जाते हैं तो क्या करते हैं, उसका एक्सिलेशन उल्टा करते हैं और चिपका देते हैं दुनिया में हर जगह, सुना भाई. इसका मतलब अगर मैं
इसके फ्रेम में जाता हूं, 2m के फ्रेम में जाता हूं, तो 2m का खुद का एक्सेलेरेशन जीरो आ जाएगा, आएगा, और इसका एक्सेलेरेशन हो जाएगा w डैश प्लस w। डिस्टेंस कितनी कवर करनी है साहब, l कवर करनी है, कितने एक्सेलेरेशन से w प्लस w, तो कितना टाइम लगेगा, मतलब एक इक्वेशन होगी l इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, हाफ w प्लस w डैश इंटू टी स्क्वायर। ये वैल्यू पुट कर देते हैं साहब, l इक्वल्स टू 2l इक्वल्स टू w डैश की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए, तो कितना आया बच्चों, ये आता है 3w प्लस kg भाई, 2w प्लस kg प्लस प्लस w, तो 3w आ गया t स्क्वायर। सो द वैल्यू ऑफ टाइम इज रूट ओवर 2l अपॉन 3w प्लस k। तो ये है रूडो के इस क्वेश्चन का आंसर। उम्मीद करता हूं मजा आया होगा ये सुनने में कि आखिरकार सोचा कैसे जाए, एक स्टूडेंट बन करके किस तरीके से इसके सोल्यूशन को देखा जाए। और मेरा भी यही मानना था कि सोल्यूशन देने से ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट होता है ये सुनना कि आखिरकार आप इस सोल्यूशन पर पहुंचे कैसे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और इंतजार करिए उस चीज का जिसके कारण मुझे बैंगलोर जाने पड़ा, क्योंकि वो बहुत ही एक्साइटेड हूं मैं उसको लेकर के। और जब आप उसको यूज करेंगे, या यू कहें कि जब आपकी मुलाकात होगी, तो आप भी बहुत एक्साइटेड होंगे। थैंक यू।